तो कल मैंने जो स्टोरी अपलोड की थी उसमें कुछ कमी बाकी रह गई थी, तो इस कमी को मैंने पूरा करने के लिए सोचा कि आज मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूं। मारा गया डोगा कल मैं बता रहा था इसकी स्टोरी को, और ये कुछ कॉलेज स्टूडेंट के पर्चा लीक करने से स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें कि जिनके नाम रहते हैं 16 डेजी, गफूरा और सुक्का। और ये लोग पेपर लीक आउट करते हैं, जिसकी वजह से डोगा इन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेता है। और डोगा जब रास्ता काटता है तो बिल्ली के रास्ते काटने से भी ज़्यादा भयंकर उसका असर होता है। अब आगे देखते हैं। 16 की नसों में बहने वाला युवा खून बेहद गर्म था और वो डोगा पर आक्रमण कर देता है, लेकिन डोगा तो फिर भी डोगा रहता है और डोगा इन चीज़ों पर बेरहमी से मरहम लगाने का भी काम करता था। तो डोगा उन चारों लड़कों के साथ पीट करके उन्हें सही रास्ते पर ले आता है, और वो लोग जिससे कि डोगा से वायदा करते हैं कि वो लोग क्राइम नहीं करेंगे, बट कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। और ये गतिविधि स्टार्ट रहती है, उसके बाद से कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। और ये उनसे एड्रेस पूछ करके उस पते पर जाने का कोशिश करता है डोगा, जहाँ से पर्चे लीक किए जाते हैं, और वो उस रेस्तरा में पहुँच जाता है। तो रेस्तरा में पहुँचने बाद का जो फाइट सीन है वो बहुत काफ़ी धांसू बना हुआ है, जिसमें कि साइड से ये देखिए ब्लू ओवरकोट में डोगा बैठा हुआ है, और ये कोई दूसरा शख्स है, ये ग्रीन ओवरकोट में डोगा आता है और उससे पूछता है कि निश्चित रूप से ब्लैक फेस तुम ही हो, मुझे 16 ने यहाँ भेजा है, पर्चे लाए हो? मेरे पास सिर्फ एक ही पर्चा है, तुम्हारी डेथ का वारंट, ज़रा पलट कर देख लो डोगा। तो ये लोग ट्रैप करने का ये जाल रहता है, जो रेस्टोरेंट में डोगा को ले आते हैं लोग, और पप्पन और उसके साथी मिलकर डोगा को पिल्ला बना देंगे। पप्पन ग्रुप स्ट्रीट गैंग के रूप में काम करता है। अब मैं सुनाता हूँ इस शानदार फाइट का आंखों देखा हाल। स्ट्रीट गैंग जो अपनी आक्रामक शैली के लिए कुख्यात था, तो डोगा उनसे शानदार बचाव करता है। ये वो दौर रहता है जब काफ़ी अच्छी स्टोरीज बनाई जाती थी, स्टोरीज पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किए जाते थे, और वो चारों काउंटर पर ही ढेर हो गए हैं। 10 आदमियों के कनपटियों पर फोड़ दिया गया, और वो डोगा जिस टेबल पर आकर खड़ा हुआ था, उस पर रखी सोडा वाटर की बोतलों को उसने एक एक करके फेंकना स्टार्ट कर दिया। यारो पप्पन ऑफ ब्लैक फेस, ये सीन बेहद खूबसूरत है, इसलिए मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा वॉइस मोड में। अब पप्पन और ब्लैक फेस अपना हेड एक तरफ रखकर हाथ में दो भयंकर शस्त्र लिए डोगा पर टूट पड़ा है, मगर डोगा ने उसके हाथ को हवा में ऊपर हवा में रोक लिया है और दूसरे को नीचे उसके घुटने के पास। और ब्लैक फेस डोगा को धकेलता हुआ टेरेस तक ले आया, लेकिन एक ही झटका घटनाक्रम के परिणामों को बदल देता है। यारो गजब हो गया, इन समय पर डोगा ने खुद को बचा लिया और अब ब्लैक फेस की मौत की बारी है। अरे वाह यारो, ब्लैक फेस ने मौत के सफ़र में डोगा को भी साथ ले लिया है। ब्लैक फेस अब डोगा की टांग पकड़ कर लटक गया है। अब केवल एक ही झटके में हो जाना था ज़िंदगी और मौत का फैसला। 15वीं मंजिल से गिरकर दोनों की हड्डियों का सुरमा बनने वाला है यारो। पप्पन किसी तरह बचना चाहिए 16, मगर ज़रा ठहरो, डोगा के हाथ में वो सलाख आ गई है जो कि शायद बिल्डिंग के किसी हिस्से की मरम्मत के कारण वहाँ लगाई गई थी। ये सरिया पकड़ करके डोगा बच जाता है टेरेस से गिरने के बाद, क्योंकि पप्पन उसे खींच लेता है और पप्पन को वो पकड़े रहता है। डोगा पूरा बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़े हुए छत की टंकी के बने उस स्केचर पर चढ़ने लगा है यारो, जो कि शायद कोई विशाल होर्डिंग टांगने के लिए लगा है। मुझे ब्लैक फेस के साथ ब्लैक पेंटेड चेहरे पर उसके 32 के 32 साफ दांत दिखाई दे रहे हैं, यानी वो दर्द और मौत के डर से बुरी तरह से चीख रहा है, और शायद उसने बाल बिठाने के लिए सर पर चेल कुछ ज़्यादा चुपड़ लिया है जो डोगा के हाथ से छूट गया है यारो। और ब्लैक फेस का मुंह कचरे की पेटी में गिरकर और भी काला हो गया होगा। राम स्केचर होल्डिंग लगाने के लिए बना लोहे का ढांचा, यानी पप्पन भी खल्लास। तूने हमें डोगा और पप्पन ग्रुप की लड़ाई की कमेंट्री सुनाई है, डोगा या 16 या डोगा के हाथों उसकी पिटाई की, मैंने तो सिर्फ आंखों देखा हाल सुनाया है। मुझे देखने दे डोगा अब क्या कर रहा है, क्योंकि पर्चे लीक होने का मामला मामूली नहीं है। ऐसे फ्रॉड के कारण देश के उन हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है, जो पूरे साल की मेहनत के साथ परीक्षा में बैठते हैं, जबकि बाजी मार ले जाते हैं पूरे साल आवारागर्दी में बिताए और परीक्षा के दिनों में घबराए चंद चीटर्स।
अब मुझे फिर से 16 गफूरा, डेजी और सुक्का को पकड़ना होगा, जिन्हें बढ़ावा मिलता है 16 जैसे लोगों से। अब क्या करे, वो जालिम कुत्ता हमारी धोखेबाजी को समझ गया होगा। इसका मतलब कि फिर वो हमारी तलाश करेगा, उसे हमारी तलाश में आने दो। इस बार मैं ऐसा पासा फेंकने वाला हूँ जिससे डोगा हरगिज नहीं बचेगा। बेस्ट, वाह, ये तूने बहुत बढ़िया बात कही डेजी। फिलहाल बस पकड़ो, यह इस रूट की आखिरी बस है। मगर यार, ये डोगा है क्या चीज़, उसकी पिटाई खाकर ये पूछ रहा है सुक्का। तो इस स्टोरी में, इस फ्रेम में दिखाया जाता है कि जो परीक्षा लीक करने वाले जो गिरोह रहते हैं उनको ट्रैप कर लेता है और वो घबरा जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। और अगली रात अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वे पहुंच चुके थे बेचारों। 16 आज तुम इंग्लिश और मैथ के पेपर देने वाले थे, कहाँ है पेपर? दोस्तों, हम पेपर्स के बंडल ला रहे थे, रास्ते में डोगा हम पर टूट पड़ा और सारे बंडल छीलकर नाले में फेंक दिए। अब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। क्यों क्यों क्यों, हम तो पैसे भी एडवांस दे चुके हैं, पता नहीं क्या बात है। स्टूडेंट्स का तो नाम सुनते ही वो भड़क जाता है, क्योंकि उसकी नज़रों में आज के छात्र आवारा गर्दी, गांजा, चरस और कोकीन के गुलाम होते जा रहे हैं। कह रहा था उन्हें घोड़ी से उड़ा देना चाहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ा है? हमारा एक साल खराब करके उसे क्या मिलेगा? मेरा सामने आ जाए तो चीर कर रख दूंगा। ये क्या है, ये छात्रों का वो गुट रहता है जो पर्चा लीक करने से संबंध रखते हैं, और ये ट्रेस कर लिए जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बारे में क्लब में जो फाइट होती है वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन से मिलती है। अगर पर्चे ना मिलते तो मेरा ये साल ख़राब हो जाएगा और कॉलेज जाकर इस करने का सपना टूट जाएगा। छात्रों का रोष बढ़ता जा रहा था और डोगा उधर ही आ रहा था। उन चारों ने आज इसी समय उन छात्रों को पर्चे देने के लिए बुलाया था। मुझे उम्मीद है कि वो चारों मुझे यहाँ ही मिलेंगे। उत्तेजित छात्रों के निकट 16 पूछते करो। उत्तेजित छात्रों के निकट 16 कुछ तो करो यार, दूसरे पर्चे का इंतजाम कर दो, पैसे की फिक्र मत करो, वह पर्चे अब तुम्हें डोगा के पास ही मिल सकते हैं। मगर डोगा हमें कहाँ मिलेगा? सहसा 16 की आंखें चौक उठी। वह रहा डोगा, डेजी, गफूरा, सुक्का, भागो। बेचारों डोगा की निगाह में आने से न बच सके, ये चारों मुझे देखकर ही भागे हैं। अब इन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी गन का सहारा लेना पड़ेगा, मगर इससे पहले कि गोली चिंघाड़ पड़ती, तड़ाक। छात्रों का एक झुंड पत्थर बरसाता हुआ डोगा की दिशा में दौड़ पड़ा। काश हॉकी स्टिके भी हम अपने साथ लाए होते, मैं हॉस्टल से अपने साथियों को लेकर आता हूँ। ब्लडी बास्टर्ड, पकड़ लो इसे। डोगा ने छात्रों को अपनी ओर आते हुए देखा। मेरी ओर आते यह युवा बहुत ही आक्रामक मूड में है, लेकिन क्यों? वी आर कमिंग डोगा, लेकिन इन्होंने मुझ पर पत्थर क्यों फेंके? ये ले, हम तो फेल रिजल्ट आने के बाद होंगे, लेकिन तेरा हार्ट हम अभी फेल कर देंगे। ठाक तड़, स्टॉप इट, देखो तुम लोगों के साथ कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम लोग मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैं तो तुम्हारा भविष्य नष्ट होने से बचा रहा था, मेरी दुश्मनी तो 16 जैसे शैतान। छात्रों में सनसनी फैल रही थी, डोगा हमारे साथियों को मार रहा है। डोगा की बात सुनने का छात्रों के पास कोई समय नहीं था। हॉस्टल से निकलकर सारे छात्र डोगा वाली दिशा में दौड़ने लगे। अजीब दुविधा में फंस गया था डोगा, पकड़ लो, जाने न पाया। मुझे भागना होगा, मैं इन छात्रों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। लगता है इन्हें मेरे खिलाफ 16 ने भड़काया। हॉस्टल से निकलकर आए छात्र भी उन छात्रों में शामिल हो गए, और डोगा के पास उन फेंके गए पत्थरों से बचाने का फिलहाल यही एक तरीका था। मुझे 16 ग्रुप के हृदय परिवर्तन का इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए था। नीचे आता है या इस होर्डिंग को ही गिरा दें? नीचे उतर आका यार, छात्र शक्ति से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तूने माँ का दूध पिया है या डोगी का दूध? जो हमारा साल बर्बाद करेगा हम उसे ही बर्बाद कर देंगे। अबे डोगी नहीं, बिच बोल। तो इस समय जो डायलॉग्स लिखे जाते थे, जो इंकिंग और जो राइटिंग होती थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ होती थी, और उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जाता था और मेहनत किया जाता था। बाद में 2000 के पास जो डिगेट का जो कॉमिक्स से आया, उसमें जो स्टोरी, जो डायलॉग्स वगैरह लिखे जाने लगे, वह स्तरीय होते नहीं थे, बल्कि जो 2000 से पहले जो प्रैक्टिस किए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज होती थी, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर की हो। तो आगे देखते हैं। छात्र शक्ति सचमुच उस पर भारी पड़ने वाली थी। गिराओ, मैंने इसके बारे में सुना है कि इसकी तलाश मुंबई पुलिस को भी है, जिंदा या मुर्दा।
और आज हम पुलिस की जगह उस तलाश को अंत कर देंगे। डोगा को जिंदा या मुर्दा पुलिस को सौंप कर। डोगा के लिए सचमुच ये दुविधा और परीक्षा की घड़ी थी। छात्रों की शक्ति ने उसे ढेर कर दिया था, उस विशाल होर्डिंग और उस पर चढ़े डोगा को। छात्रों में हर्ष की लहर फैल गई। मारा गया डोगा, इस विशाल होर्डिंग के नीचे दबकर आखिर मारा गया डोगा। मगर डोगा के मुंह से चीख तो तब भी ना निकली थी। अब हम उस लाश को सौंपेंगे पुलिस को। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो काम मुंबई पुलिस मिलकर भी ना कर पाया उसे आज उसने हमने हमारी छात्र शक्ति ने कर दिखाया। जाइए, टनों भारी होर्डिंग को पूरे मलबे को हटाकर निकाल दीजिए उस घोषित अपराधी डोगा क्लास। व्हाट डोगा क्लास, इट कांट बी अ पॉसिबल। इट कांट बी अ पॉसिबल शब्दार्थ यह मुमकिन नहीं हो सकता। हौलदार, इस मलबे को हटाओ। हरियप, और सभी को मिला एक हरतंगे झटका। कहाँ आया डोगा क्लास, डोगा कहाँ गया? हमने उसे होर्डिंग के नीचे दबते हुए देखा था। डोगा शायद उस मेन होल के रास्ते से भाग निकला है। आज से पहले इतनी बुरी तरह से मैं कभी नहीं फंसा था। वो तो शुक्र है एन घटना स्थल पर वो मेन होल था, वरना आज डोगा सचमुच मारा जाता। सुबह के 3 बज रहे, सूरज अभी तक क्यों नहीं लौटा? ये लाइन जिम में अदरक चाचा है जो अपने बेड पर रेस्ट करके सूरज के बारे में सोच रहा है, और तब अदरक चाचा ने जो देखा उससे भी हद तक लग गया। सूरज, क्या हो गया? तुम्हारे शरीर पे तो चोटों के निशान है। बताता हूँ चाचा। ऐसे क्षण अदरक चाचा को सूरज की ओर से बहुत विचलित कर देते थे। धीरे धीरे सूरज ने अदरक चाचा को सारी घटना सुना दी। गुम चोटों में सेंधा नमक का सेक बहुत अच्छा रहता है। मोनका के रात की घटना यानी डोगा के घायल होकर भाग जाने की खबर सुबह टीवी न्यूज़ में मिली, जिसे सुनकर डोगा के प्रति वही चिर परिचित नफरत उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। बेहद गंभीर था चीता। बुराई डोगा में नहीं है मोनिका, कब तक बचोगे डोगा? एक ना एक दिन तुम्हारा अंत होना है, प्रत्येक बुराई की तरह। बुराई हमारे समाज में है जिसने डोगा को पैदा किया है। डोगा का रास्ता गलत सही, मगर उद्देश्य पवित्र है। उसकी दरिंदगी और हिंसा का शिकार केवल अपराधी बनते हैं। ये बात केवल कल की घटना से फिर साबित हो गई, क्योंकि उसने छात्रों पर उंगली नहीं उठाई है। जरा सोचो, डोगा जैसा इंसान भला मामूली छात्रों से घबरा कर क्यों भागा? क्यों नहीं उसने उस पर भी दरिंदगी दिखाई? क्योंकि उसकी दरिंदगी और हिंसा का शिकार केवल अपराधी बनते हैं। ये बात कल की घटना से फिर साबित हो गई, क्योंकि उसने छात्रों पर उंगली तक नहीं उठाई। आप भूल रहे भैया कि उसी डोगा के कारण आपकी नौकरी चली गई। तुम भी भूल रहे हो भोलिका कि अपनी नौकरी से रिजाइन मैंने खुद दिया था। उस समय लायन जिम में पहुंची मोनिका सूरज से मिलने के लिए। सूरज, यह क्या हुआ? आओ मोनिका, दरअसल आज एक्सरसाइज करते समय रोमन रिंग का एक छल्ला टूटकर गिर गया और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा, पर अब सब कुछ ठीक है। तुम बैठो ना। उधर 16 ग्रुप अपनी सफलता पर खुश था। मज़ा आ गया यार, डोगा की क्या पिटाई हुई। डोगा पिटाई का जवाब तक ना दे सका, एक दो पत्थर तो उसकी खोपड़ी के अंदर जा गिरे होंगे, लेकिन फिर भी वो बच गया। उसको और अधमरा सांप ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या मतलब? मान लो डोगा ने पेपर लीक करने वाली बात प्रेस वालों को और सबको बता दी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। निश्चित रूप से 16 साथ ही साथ कुछ और भी सोच रहा था। 16 की खोपड़ी में एक और शैतानी योजना जन्म ले रही थी। इससे पहले कि वो हम पर वार करे, क्यों ना हम ही उस पर उल्टा वार कर दें, पेपर लीक केस में उसी को फंसा दें। कैसे? और शैतानी योजना अमल में लाई गई। प्रेस वालों के सामने चारों ने बयान दिया। जी हाँ, हम हायर सेकेंडरी के लीक पेपर बेचते रहे, उसके लिए हम सबसे माफ़ी चाहते हैं। अब हमने फैसला किया है कि सच्चाई उगल देंगे। हम तो गुमराह बच्चे हैं, पेट पालने के लिए सब करते रहे हैं। इस धंधे के पीछे छिपे उस असली अपराधी का हम पर्दाफाश करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। आज तक हम लोगों को ब्लैकमेल करते वह सफ़ेदपोश अपनी तिजोरियाँ भरता रहा, हमारा खून पीता रहा। बताओ कौन है वो सफ़ेदपोश? भेड़ की खाल में भेड़िया। उसका नाम लेते समय हमारी जुबान थर्राती, अगर हम उसके हाथ में पड़ गए तो वह हमारी जुबानें काट लेगा। लेकिन हम कानून के लिए और जनहित में उसकी पोल खोलेंगे, चाहे वह जालिम हमारी जान ही क्यों न ले ले। उसका नाम सुनकर आपको सहसा यकीन नहीं होगा, तो सुनिए, लीक पेपरों का धोखेबाज वह सफ़ेदपोश गैंगस्टर है डोगा। डोगा, डीडी से डोगा। तो ये ऐसा वो नाम का रहस्य उद्घाटन करता है जिससे कि लोगों में सनसनी मच जाती है। 16 गैंग के प्रेस बयान से तहलका मच गया। कल रात छात्रों से उसकी झड़प इसी कारण हुई, मगर डोगा उसके हाथ बच निकलने में सफल हो गया। देखो, देखा इंस्पेक्टर असलम, और एक समय तुम उसे अपराधी मानने से इनकार कर रहे थे। नहीं, हथकड़ी नहीं इंस्पेक्टर, हथकड़ी नहीं गोली, उसे देखते ही भून डालो। मुझे वो जिंदा चाहिए नहीं, एंड नाउ
आर्गुमेंट प्लीज। देखा देखा इंस्पेक्टर असलम, और एक समय तुम उसे अपराधी मानने से इनकार कर रहे थे। सॉरी सर, किंतु अब मैं उसे पकड़ने के लिए हर पल तैयार हूँ। अब उससे मेरी मुलाकात या तो उसकी कलाइयों को हथकड़ियों से जकड़ने के लिए बात होगी, ख़त्म होगी, या फिर उसकी मौत के साथ। मोनिका उस समय सूरज के ही कमरे में थी जब BBC पर वह खबर प्रसारित हुई। लो, डोगा का एक और रूप सामने आ रहा है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके खिलाफ़ होती है। पर्चा लिंक करने वाले जो गैंग रहते हैं वो इसका नाम ले लेते हैं, डोगा उर्फ सूरज का। ये डोगा ऐसा लगता तो नहीं। कुछ ही देर के पश्चात मोनिका से छुटकारा पाकर सूरज बन गया डोगा। 16 ग्रुप के ऐसे बयान के बाद मेरे बयान का कोई यकीन नहीं करेगा कि मैंने पर्चे लीक नहीं किए। डोगा सच्चाई के रास्ते पर है, मगर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोगा सच्चाई के रास्ते पर है और सच्चाई जानकर उतनी ही खलबली मचेगी कि झूठे बयानों पर मच रही है। निकल पड़ा था वो सिपाही इस बार अपने चेहरे पर लगे दाग को धोने। डोगा की तलाश में पुलिस जिप्सिया सड़कों पर डौलने लगी और तब एक बार फिर सनसनी मच गई जब हेलो, हाँ क्या डोगा को देखा गया है? लाला लाजपत राय पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के पास। ओके। बहुत सी जिप्सियाँ विभिन्न दिशाओं से लाला लाजपत राय हॉस्टल की ओर दौड़ने लगी। खबर वाकई सच थी। डोगा को पुलिस वालों ने हॉस्टल के बाहर घेर लिया और उसका नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर असलम। वह संपूर्ण इलाका गोलियों से गूंज था। तड़ 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 तड़। तो ये काफ़ी मैग्निफिसेंट सीन बना हुआ है और ये जो 97 का जो आर्टवर्क था वो काबिल तारीफ़ है। और इस सीन का जो है कि एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था उस समय। पब्लिशर्स, जितनी कॉमिक्स पब्लिशर्स पब्लिशिंग हुई थी उस दौर में, आई थिंक जून जुलाई वगैरह के सेशन में शायद ये कॉमिक्स आई थी, पब्लिश हुई थी, और उसी समय इसकी पब्लिशिंग की गई थी, इस एड की पब्लिशिंग वगैरह हुई थी उसमें। फिर एक पुलिस जीप क्लाउड स्पीकर गर्जा फायर और उसके साथ ही तो क्यों मारा गया डोगा। इसके अलावा अन्य सभी सुलगते सवालों का जवाब मिलेगा आपको डोगा आगामी गुजराती कॉमिक्स में, भरेंगे डोगा के दुश्मन। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टेक्स्ट इन इंग्लिश। दिस इज ए एक्शन पैक्ड कॉमिक्स बेस्ड ऑन डोगास एडवेंचर एंड इन दिस स्टोरी लॉट्स ऑफ एक्शन सीक्वेंस एंड लॉट्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर कॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ इंडिया दैट एग्जामिनेशंस पेपर लीक आउट प्रॉब्लम्स। Lots of people and black people leak out examination paper. So this particular story gives us a central idea or moral story to not to bribe in education sector, because education sector is the backbone of society. And if you are doing this, then that means you are arguing and snatching something from society's precious inheritance. Once again, I am repeating this text in English also. Lots of incredible incidents have been taken place in this particular video. And I have published this first part last night. And right now I am publishing a second part. Now we should punch over the amazing text and amazing stories of this particular comics. Once again, I am showing you the magnificent stories. This scene has been proven out one of the remarkable and climax scene of this particular story. Doga has been snatching or climbing over a sketcher that has been very tall. Now this has been a very magnificent structure that has been leaked out. This scene has been also a magnificent caricature of Doga's comics that is been Raj Comics Publishing. Some of the young kids related to colleges are coming to attack against Doga, and he is protesting against the lower middle side. But the story goes out and we will see what happens in the next part, Marenge Doga Ke Dushman. Now I am once again repeating this test. He is saying that 4 people are standing over this particular issues and they are talking about the Doga's papers. And one of the best reasons that one of the most incredible scene in this particular video has been the bus
एंड द बस हैज़ बीन टेकिंग एंड ड्राइविंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग्स. नाउ आई एम रिपीटिंग बैकवर्ड दिस पर्टिकुलर सीन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डोगास क्लैश बिकॉज डोगा हैज़ बीटन आउट एंड क्लैश देयर ग्रुप ऑफ लीकिंग पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड. दे आर लीकिंग पेपर्स रिलेटेड टू सेकेंड हायर एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन. नाउ दिस इज पप्पन एंड द फाइट ऑफ पप्पन सिंह एंड डोगा हैज़ बीन इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ यू आर सीइंग दैट दिस इज द सीन आई हैव सीन ऑन फेसबुक. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो फेसबुक इंस्टाग्राम. माई लिंक आई डी इज रहंत राजन ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक प्रशांत राजन. यू कैन वॉच मी. नाउ यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ एजिटेटिंग एंड प्रोटेस्ट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेसेस. नाउ सी दिस स्ट्रीट गैंग एंड वंस अगेन आई एम टेकिंग यू टू द प्रीवियस पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉमिक्स. ब्लैक फेस ऑफ योर नेम ऑफ पीपल इज ब्लैक फेस. उसके बाद डायमंड बोस 15th फ्लोर ऑफ रिवॉल्वर मैगजीन. नाउ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड जीके आर गिवन आउट देयर. नाउ सी दिस वन ऑफ द वन इनक्रेडिबल साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉमिक्स एंड डोगा इज ऑन ग्रेटर बेटर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. नाउ आई एम टेलिंग यू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉमिक्स. स्टोरी हैज बीन रिटन बाई भरत तरुण कुमार वाही संजय गुप्ता मनीष गुप्ता एंड मनु. डेजी सोला गफूरा एंड सुक्का आर द मेन लीड कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉमिक. सो वी विल मीट यू इन नेक्स्ट माई वीडियो. टिल देन टेक केयर. गुड बाय. जय हिंद.